हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खीर की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, जिसके आगे रबड़ी भी फेल लगेगी आपको। और ये मेरी गारंटी है कि अगर जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, अगर वैसे आप बनाएंगे तो आपको रबड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पतीला ले लिया है, और सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। इससे क्या होगा, जो हम दूध इसमें डालेंगे ना, वो जलेगा नहीं, पीछे बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 लीटर दूध। तो ये फुल क्रीम वाला दूध है, तो वही लीजिएगा। और अब हम जो ये दूध है, इसे अच्छे से गर्म करेंगे, यानी कि इसे एक बॉयल आने देंगे। तो यहाँ मैं मीडियम आंच पे इसे रख रही हूँ। तो इसे लगातार हम हिलाते रहेंगे और एक बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, दूध में एक बॉयल अच्छे से आ गया है, गैस को मैंने कर दिया है स्लो। और यहाँ मैंने लिए हैं 2 चम्मच चावल, और जिसे मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था, तो मैं इसका पानी निकाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं 1 किलो दूध में 2 चम्मच चावल मिक्स कर रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी ये फॉक्स नट, यानी कि मखाने। तो यहाँ मैंने 15 से 20 मखानों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। हम पीस के नहीं डालेंगे, इसी तरह से ही डालेंगे, और ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और अब हम इसे लगातार धीमी आंच में तब तक पकाएंगे खीर को, जब तक कि ये जो हमारे चावल हैं अच्छे से गल ना जाएं, पक ना जाएं, और साथ में ये जो फॉक्स नट हैं मखाने, ये भी एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और ये दूध में मिक्स हो जाएंगे। पता भी नहीं लगेगा कि हमने इसमें फुल मखाने भी डाले हैं। तो इसे हम रिड्यूस होने देंगे दूध को। तो फ्रेंड्स, हम बीच बीच में दूध को हिलाते रहेंगे, और इसके साइड में जो मलाई चिपकती है उसे इस तरह से हटाते हुए दूध में ही मिक्स करते चले जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम बिल्कुल धीमी आँच में ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, दूध अभी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये क्रश की हुई इलायची, और साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी केसर वाला दूध, जिसे कि मैंने गुनगुने दूध में केसर को भिगो के रख दिया था, और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। और आप देख लीजिए कि जो हमने मखाने डाले थे वो काफ़ी हद तक गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, और इसमें नज़र भी नहीं आ रहे हैं, बहुत थोड़े से जो हैं, और वो भी अभी जब हम इसे अच्छे से पकाएंगे खीर को, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो अभी हमें इसमें और इसको जो है खीर को पकाना है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे मखाने और चावल हमने डाले थे, ये अच्छे से पक गई है, और आप इसका कलर भी देख सकते हैं, जो हमने केसर वाला दूध डाला था उसकी वजह से। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ मैं 1/2 कप, या आप कह सकते हैं कि 8 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हम 5 मिनट तक और अच्छे से पकाएंगे, जिससे कि चीनी अच्छे से इसमें घुल जाए, और ये अभी और भी गाढ़ी होगी खीर, जैसे जैसे ये ठंडी होगी और भी गाढ़ी होती चली जाएगी। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसमें जो हमने मखाने डाले थे वो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं इसे हिला रही थी तो जो थोड़े से मोटे मोटे आते गए, तो उनको हम इस तरह से साइड में लेकर पीसते चले गए हैं, तो इस वजह से ये नज़र भी नहीं आ रहे हैं। आप चाहें तो चावल को भिगोने के बाद पीस कर भी डाल सकते हैं, उससे भी आपकी खीर बहुत ही बढ़िया बनेगी, उसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। तो फ्रेंड्स, खीर हमारी बिल्कुल बन गई है, और अब मैं इसमें डालूंगी ये बादाम को मैंने लंबा लंबा स्लाइस में कट कर दिया है। तो मैं यहाँ सिर्फ बादाम डाल रही हूँ, क्योंकि मैं
हमेशा बादाम डालकर ही बनाती हूँ और कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें नहीं डालती हूँ, पर आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो है इसमें डाल सकते हैं। आप काजू, पिस्ता या चिरौंजी जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं। और गैस को कर दूंगी बंद, क्योंकि जैसे ये ठंडी होगी ना तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। मैं भी आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, तो ये देखिए। और ये मेरी गारंटी है, जब आप इस तरह से एक बार खीर बनाएंगे ना तो आप इसी तरह से हमेशा बनाया करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, पूरी रसोई में इसकी खुशबू जो है फैली हुई है। और जब आप बनाएंगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये खीर बनाने के बाद कैसी लगी। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी सी रबड़ी स्टाइल में ये खीर। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।